बर्फ कहीं भी हो, एक तरफ इससे फायदा है तो दूसरी तरफ नुकसान। यह बात कोल्ड स्टोरेज के लिए सटीक बैठता है। ट्रे में बर्फ होना कई कारणों से इसे आलू के लिए नुकसानदायक कहा जा सकता है, क्योंकि बर्फ कहीं भी हो उसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुरुषोत्तम और आप देख रहे हैं YouTube चैनल अबाउट कोल्ड स्टोरेज इन हिंदी। दोस्तों, इस चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आलू के पास बर्फ हो या बर्फ के पास आलू, दोनों ही सूरतों में इसका असर आलू पर ही पड़ता है। इसलिए आलू के पास बर्फ हो, यह आलूओं के लिए बेहद ही खतरनाक है। क्यों है खतरनाक? ट्रे में आलूओं के आसपास बर्फ होना, इसके बारे में मैं आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ट्रे में बर्फ होना आसपास के आलूओं के लिए क्या इंपैक्ट पड़ता है, आसपास के आलूओं पर क्या असर पड़ता है, ये हम पहले जान लेते हैं। सबसे पहला इंपैक्ट है बर्फ के आसपास का एरिया का तापमान 0 डिग्री के आसपास होना। जहां पर भी ट्रे में बर्फ है उसके आसपास का एरिया का तापमान 0 डिग्री यानी फ्रीजिंग पॉइंट के आसपास ही रहता है। दूसरा है बर्फ के आसपास 100% ह्यूमिडिटी का होना। जहां भी बर्फ होगा उसके आसपास का एरिया में 100% ह्यूमिडिटी यानी मॉइस्चर होगा। और तीसरा है इसका जो इम्पैक्ट है ये लगातार होना। जब तक कि ट्रे में बर्फ है तब तक 24 घंटे जितना दिन तक ट्रे में बर्फ है उतना दिन तक लगातार इसका आलू के ऊपर असर बना रहता है, और वहाँ का तापमान 0 डिग्री के आसपास और 100% मॉइस्चर हमेशा ही बना होता है। और अब जान लेते हैं कि इतने सारे ट्रे का बर्फ का असर होने के बाद अब इसका असर आलूओं पर क्या पड़ता है, ये अब जान लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला है आलू का डैमेज होना या सड़ना। आपने देखा होगा कि जहाँ भी ज़्यादा बर्फ हो, जहाँ का नमी 100% हो और जहाँ का तापमान हमेशा 0 डिग्री के आसपास रहता हो, वहाँ का आलू निश्चित रूप से डैमेज होगा ही होगा। वहाँ का आलू सड़ना ही है, या बाहर निकलकर सड़ना है या अंदर सड़े, लेकिन उसका असर ज़रूर होता है। और दूसरा है आलू में बर्फ पकड़ना। जहाँ 100% मॉइस्चर हो और तापमान 0 डिग्री के आसपास हो, तब उस वक्त जब प्लांट चलता है तो उसका तापमान अचानक डाउन हो जाता है, जिसके कारण से आलूओं में बर्फ पकड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आलू में बर्फ पकड़ने लगते हैं, आलू सख्त हो जाता है और आलू को जब छूते हैं तो ये बर्फ जैसा ठोस महसूस होता है, यानी कि आलू के अंदर भी बर्फ पकड़ लेता है। इस तरह का चांसेस बन जाता है जब 100% मॉइस्चर हो और 0 डिग्री के आसपास टेम्परेचर हो। तीसरा है आलू का कलर चेंज होना, यानी आलू का जो रंग है उस आलू का रंग काला पड़ जाना, ये तीसरा लक्षण है। जहाँ भी तापमान 0 डिग्री के नीचे 0 डिग्री के आसपास होगा, वहाँ अगर ये तापमान लगातार बनना रहता है तो आलू काले पड़ने लगते हैं। आलू आपने देखा होगा कि कई स्टोरों में काले काले रसगुल्ले जैसे आलू निकलते हैं, तो ये ज़्यादा डाउन तापमान के कारण या ट्रे में बर्फ के कारण ये इसका असर होता है।
चौथा कारण है आलू का स्किन पर गड्ढे नजर आना। आपने देखा होगा कि जहाँ भी तापमान 0 डिग्री के आसपास हो उस एरिया का जो आलू होगा वो स्किन के ऊपर गड्ढे नजर आने लगते हैं। लगता है इसको ठंडी के मार इस आलू पर ज़्यादा पड़ा होता है, जिसके कारण से जगह जगह गड्ढे नजर आने लगते हैं और इसका स्किन हल्का लाल और हल्का मैरून दिखाई देने लगता है। और लास्ट में पांचवा है, आलू निकासी के बाद आलू का जल्दी ख़राब होना। अगर इस तरह का टेम्परेचर पर आलू ज़्यादा दिन तक रहता है तो जब निकासी होता है तो आलू ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं, आलू जल्दी ख़राब होने लगता है। अगर उसको कहीं बाहर भेजा जाए तो 2-3 दिन के रास्ते में ही आधा आलू ख़राब हो जाता है और वो सड़कर गल जाता है। तो इस तरह का प्रॉब्लम आता है ट्रे में बर्फ पकड़ने वाले आसपास के आलूओं में, जहाँ पर ये प्रॉब्लम आता है। दोस्तों ऐसे छोटे मोटे और भी कारण हैं जिसे आलूओं में जो आसपास ट्रे में जो बर्फ होता है उसका असर आलूओं में पड़ता है। तो इस तरह का आप अगर ट्रे में बर्फ हो तो उसे हमेशा ही साफ करके रखना चाहिए और एक निश्चित टाइम बनाकर उसको साफ करते रहना चाहिए। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि ट्रे में बर्फ कभी ना पकड़े, इसके लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं, आप वो वीडियो को देखकर उसके बारे में जानकारी पा सकते हैं। और अगर वो चीज़ अपनाते हैं तो निश्चित रूप से ट्रे में बर्फ कभी भी नहीं पकड़ेगा और आपका जो ट्रे के आसपास या नीचे के आसपास के आलू हैं वो बिल्कुल ही ख़राब नहीं होंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें और इस चैनल को तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें, क्योंकि मैं इसी तरह का इन्फॉर्मेशनल वीडियो मैं हमेशा अपलोड करता रहता हूँ, जिसे देखकर आप बहुत सारी जानकारी पा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।